शेटन हाय, बाय बोलो मम्मा को बाय। अभी मैं और शेटन गांव घूमने के लिए जा रहे हैं। मैंने शेटन को बांध लिया है। है ना शेटन, बाय 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 बोल दो। चलो हम लोग जाते हैं, घूम के आते हैं, ठीक है? और अब ये बहुत बहुत मशक्कत के बाद, मोनेस्ट्री से उतरने के बाद में अब मैं और शेतन जो है हम लोग, देखिए इसे पहाड़ी वाले स्टाइल में उन्होंने मेरे कंधे पे बांध दिया है। अब मैं और शेतन, शेतन आने बोल दो, आने बोल दो। तो मैं और शेतन अभी शेतन के गांव घूमने के लिए जा रहे हैं, लॉसर विलेज। तो इसको बहुत टाइट से बांध दिया है इसकी दादी ने और मम्मी ने। तो अभी हम लोग इसके गाँव में घूम के आएंगे। ये 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 और ये फ़ोन को देख के बहुत खुश हो जाता है। वैसे तो रोता है लेकिन फ़ोन को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। फोटोहॉलिक बेबी है ना। ये है लॉसर विलेज में हम एंटर कर रहे हैं। हाँ बेबी, हाँ बेबी। अभी मैं और शेतन कैसे जाएंगे आगे? हाँ यहाँ पे तो पानी पानी है। चलो हम घूमते हैं गांव में। तो इस बेबी का नाम है शेतन, जो जिसमें कि टी साइलेंट है, टी एस ई टी एन, है ना शेतन। वैसे देखिए अब, अरे अब देखिए कितना खुश हो रखा होगा। देखिए इसको, हाँ स्माइल कर दो, कर दो स्माइल। हाँ ये 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 हाँ ये पहली बार ऐसे गांव देखे हैं यार, इतने सुंदर। हाँ बेबी, हाँ बेटा, हाँ बेटा। हाँ ना आने, इन लोगों में बुआ को बोलते हैं आने। बोल दो आने, बोल दो आने, बोल दो आने, आने बोल दो बाबा, आने बोल दो। हाँ और यहाँ पे आप स्पीति रीजन में जब भी एंटर करेंगे तो आप सबको ग्रीट करेंगे करेंगे जुले बोल के, जुले जुले से बेबी। चलो तो यहाँ पे, हाँ बेटा, जुले कैसे आप लोग, कहाँ पे रहते हैं? ये गांव यही है आपका? उत्तराखंड से? हाँ जी, पता होगा ना आपको। तो ये पीछे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। दिन में इसने आने बोला ना एक बार, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ऊपर पहाड़ी में अभी पिघला नहीं है ना बर्फ। भैया शॉप में, हाँ तो मैंने सोचा आप लोग का गांव को थोड़ा दिखा देती हूँ। मैंने अब देखा पीछे, देखिए वो क्या रेंज है। माय गॉड, तभी मैं बोला कि यहाँ इतनी ठंड क्यों है। भगवान, ऐसे जीते ही लोगों की ठंड में, मुझे अपने गांव की ठंड नहीं झेली जाती। यहाँ देखो यार, अभी भी ना मुझे एक बात से बड़ा दुख होता है, जब लोग ना उत्तराखंड को यूपी के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड बोलो तो यूपी। अरे यार अभी भी लोगों को पता नहीं है, तो साल हो गए IAS 22 साल हो गए शायद, हाँ, पर फिर भी आज भी लोग यूपी के नाम से जानते होते हैं। यार इतना सुंदर गांव, मैं यहीं बस जाऊंगी ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ शेतन, शेतन बेटा, ये तो मैंने आप देखा, देखिए देखिए
मैं वहाँ जाते जाते मैंने हाफ एन आवर से ऊपर लगा दिया था, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती है एक वन गो में जाने की। जुले अंकल से थोड़ी बात कर लेते, यहाँ पे ना ठंडा बहुत है। हाँ इतना ठंडा का आदत नहीं है ना। हाँ नहीं हम लोग के वहाँ भी ठंडा होता है लेकिन इतना नहीं होता है, होने को तो मैं भी पहाड़ी हूँ। हाँ लेकिन वहाँ कम ठंडा होता है, यहाँ तो बहुत ठंडा है। ये ऊपर भी तो कितना है हाइट, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है, काजा से भी ज़्यादा अच्छा है। काजा में तो बहुत भीड़ ही भीड़ है। हाँ हाँ तो मेरे को इसको घुमाने का मन कर रहा था, फिर उन लोगों ने बोला इसको ले जाओ कोई बात नहीं। मैंने बोला इसको बांध दो अच्छे से। हाँ तो यहाँ पे ईंट के घर नहीं होते हैं, ये मोटे से पत्थर होते हैं कोई, अबे खैर इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो होते हैं उनके घर होते हैं यहाँ काफ़ी मोटे दीवार वाले। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात हुई अंकल से, यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं देखते हैं। सबके बाहर घर से घर के बाहर सोलर पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से आगे को रास्ता है नीचे को, बस मैं यहाँ पे गिरूंगा क्योंकि मैं गिरूंगी तो चलेगा, पर यहाँ पे हमारा खरगोश जैसा बेबी भी गिर जाएगा मेरे साथ। यार ये बिल्कुल जन्नत है ना, जैसे टीवियों में दिखते हैं गांव। हमने तो कभी भी ऐसा कुछ चीज़ एनकाउंटर किया नहीं था, बट ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। चेतन बेटा कैसे बोलो कुछ, तो मुझे लग रहा है उस साइड जो है ना वो जो है वो गर्ल जो आपको दिख रही है वो नदी है मेरे ख्याल से, तो वहाँ तक मुझे बच्चे के साथ तो नहीं जाना चाहिए, छोटा बच्चा है साथ में, बट लेस सी। ये देखिए शेडो में देखिए खरगोश को, मतलब अब एक बार चारों तरफ देखिए फिर से, ये देखिए मैं वहाँ जाके यहाँ से जाने के बाद बहुत मिस करने वाली हूँ इस जगह को। वैसे तो मैं मेरा मन कभी इन कोल्ड डेजर्ट से भरने वाला नहीं है, ये तो मुझे पता लग गया था, तो मैं यहाँ आती ही रहूँगी। यहाँ पे गाय, पर ये ना छोटे छोटे से ही हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। ओह क्या गाना गा रहा है बेटा, क्या गाना गा रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पे पानी भर रहे हैं। यहाँ से नीचे को खेत आ जाते हैं और फिर नदी। अच्छा आप लोग स्कूल पढ़ते हो, स्कूल पढ़ते हो, यहाँ कहाँ है स्कूल आपका। चलो अभी मैं और शेतन यहाँ से जाएंगे इस रास्ते से, उस साइड से जाओ कि इधर से नहीं रास्ता। अच्छा ठीक है थैंक यू। हाँ बेटा, हाँ बेटू, ये बच्चों के साथ और डॉग्स के साथ ऐसे बच्चों की तरह बोलते बोलते कब मैं बच्चों की तरह ही परमानेंट बोलने लग गई पता ही नहीं चला। ये घर देखिए ऊपर लग गया, माय गॉड टू ब्यूटीफुल यार।
मेरे जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ से। देखिए लोगों ने कैसे मुंह बांध रखे हैं यहाँ पे। वहाँ घर बना रखा है इकलौता, इन्हें चट्टानों के बीच में क्या होता होगा वहाँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किस चीज का खेती है ये? हाँ मटर का। ओके मैं उत्तराखंड से आई हूँ। हाँ उन्हीं का है ना ये, मैंने बोला उसको गांव घुमा के लाती हूँ, बांध दो। तो आपका गांव का ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए आ गई। बहुत सुंदर है। इसका नाम शैतन, शैतन। अच्छा तो ये मटर की खेती हो रही है यहाँ पे, वो नहीं होता है गेहूँ वगैरह? धान होता है गेहूँ? हाँ बेटा क्या हो गया? अच्छा इतना ही ठंडा रहता है ना यहाँ पे? सर्दियों में कैसे रहते हो आप लोग? आप लोगों को आदत तो है ना, गरम है ना आप लोग? ये मोटा वाला पत्थर का घर रहता है ना ये, अंदर तो बहुत गर्म होता है तो। और फिर सर्दियों में कोई काम नहीं हो पाता होगा ना बाहर का, बर्फ जम जाता होगा। हाँ अच्छा। ये सामने क्या है, ये गांव? ये भी लॉसर ही है? अच्छा थोड़ा अलग हो गया खेत से उस साइड ना। और वो सामने में ऊपर क्या है, वो उन पहाड़ों का नाम क्या है, मतलब कुछ नाम है ऐसे ही है? अच्छा मैं यहाँ पे कब आई? कल आई हूँ, कल आई। रास्ते में तो कितना खतरनाक खतरनाक जगह, बाप रे से चट्टान। हाँ आप लोग के लिए गर्म है ना, हमारे लिए तो अभी भी ठंडा ही है। आप लोग ऐसे मुंह क्यों छुपा रहे हो? कोई बात नहीं। तो शर्मा रहे हैं लोग। बहुत शर्मा रही है। तो ये था लॉसर विलेज का टूर जो आपने देखा, थोड़ा बहुत विलेजर्स से बातें भी की। और ये हमारे खरगोश को देखो कैसे चिपका पड़ा है, और पर ये बहुत प्यारा है, रोता भी नहीं है, मतलब शांत रहता है बिल्कुल। तो और मुझे बहुत मजा आ रहा है ऐसे घूमने में। तो यहाँ के लोग देख रहे हैं रुक रुक के, सोच रहे होंगे कौन है। पता ही क्या है, मैं एक बात बताती हूँ, जो हाइप जगह होती है ना जहाँ पूरी दुनिया होती है, वहाँ मेरा जाने का मन नहीं करता। जाने का करता है, लाइक स्टे करने का मन नहीं करता। एंड रियल ट्रैवलिंग भी वही होती है जिसमें आप एक जगह से कनेक्ट करते हैं, उस जगह पर रहते हैं, उस जगह को देखते हैं। और ये क्या होता है यार, चार दिन में सारा टूर कर लिया, ये सब मुझसे तो नहीं हो सकता। इसलिए मुझे वर्केशन के साथ रुक के इन जगहों को घूमना था, इन जगहों को फील करना था। और इतने शांत गांव को तो कौन नहीं फील करना चाहेगा, देख ही रहोगे आप। मेरी सांस फूलती जा रही है। हेलो देखो खिड़की से बच्चा हेलो बोल रहा है। अच्छा लगता है मुझे। देखिए सामने में कितना सुंदर पेड़ है, अभी देखिएगा। अब
तो हम आ गए ऑलमोस्ट सड़क की तरफ आ ही गए हैं। नहीं 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 यार, अभी तो बहुत दूर है यार। हाँ शैतन बेटा, अभी तो बहुत दूर है। बहुत दूर तो नहीं है, थोड़ा सा दूर है। हाँ और जो सोलो ट्रैवल में सुकून है वो किसी में भी नहीं है। सोलो ट्रैवलिंग बहुत सुकून है। बस हाँ थोड़ा सा आपको लगेज वगैरह ज़्यादा हो तो परेशानी होती है, जैसे कि मैं इतना सारा लगेज ले आई, ठंड के कपड़े नहीं लाई, गर्म के ले आई सारे। बस यही बात है, बाकी आप देखिए ना इन चट्टानों को कितना सुंदर है पीछे देखिए, और ये हमारे खरगोश को देखिए। हाँ एब चेतन देखो बेटा, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, थकान सी हो रही बहुत, पर इसको ना बैठने में शायद इसको दिक्कत हो रही है इसलिए गुस्सा कर रहा है, कर रहा है मेरे को देख के। हेलो हेलो, बच्चे मुझे आवाज़ दे रहे हैं। हेलो बच्चों, वो देखिए बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। ओह माय गॉड, आ गए। कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ आ जाओ, कहाँ जा रहे हो आप लोग? देखने आया, दीदी को मिलने आया? हाँ ठंडा नहीं लग रहा है? रुक जाओ एक बार, बाय बच्चों, बाय बोल दो। चलो ठीक है, बाय बच्चे। दौड़ते खेलते आ गए थे, और ये सड़क है, ये रास्ता है यहाँ का। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, देखिए वैसे भी कोई मैं बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि आप लोग मेरी बात सुनने भी वाले हो, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगी, इट्स अ सजेशन कि स्पीति आए इस गांव में, को थोड़ा टाइम दे, जहाँ आप ताज़ा में ज़्यादा दिन अगर टाइम स्पेंड करने वाले तो उससे बेटर किसी गांव में आकर स्टे करें। और इस गांव में नेटवर्क भी बहुत अच्छे हैं, आपको नेटवर्क का भी इशू नहीं आएगा, ठीक है? तो ऐसा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने और शेटन ने ऑलमोस्ट आपको विलेज का टूर करवा दिया है, बट रोड अभी भी थोड़ा आगे है, मतलब थोड़ा सा अभी भी मुझे थकान होने वाली, हाँफने वाली हूँ मैं, तो ऐसा है यहाँ पे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऑसम, मतलब मैं क्या बताऊँ कितना अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा। एक तो इस बच्चे की वजह से, बिकॉज़ आई लव किड्स, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इसके गाने सुनिए आप। हाँ बेटा, हाँ बेटू गाना गाओ। एक और बार जाते जाते गांव की तरफ दोबारा से देख लेते हैं, सामने में कच्ची सड़क तो देख रहे होंगे, यहीं से आ रही हूँ मैं थकते थकते। अभी भी है रास्ता, मतलब बचा हुआ है, अभी थोड़ा सा ऊंचाई आने वाली है। कोई बात नहीं, इतनी मेहनत होनी चाहिए। बेटा बेटा कहाँ गया देखो, अकेले अकेले घूमने का अलग ही मज़ा है। ये देखिए, कहा था ना मैंने काफ़ी गहरी से होते हैं लोग, बहुत सारे हैं। ओहो इसको बांध रखा है ऐसे। ये जो सड़क आपको दिख रही है ना, ये काजा वाली है। मैं पहुंच गई हूँ सड़क में। ओहो कितनी पतली सड़क है देखना ज़रा। अब मैं पहुंचने वाली हूँ स्टे पे, और मैं पीऊँगी अपनी इवनिंग टी, और फिर मुझे करना है ऑफिस का काम थोड़ा सा।
बच्चे कैसे देख रहे हैं। हेलो, चलिए हम पहुंच गए फाइनली। सो गया क्या ये भैया? है ना? हाँ, अभी तक तो गाना गा रहा था। 2 मिनट हो गए सो गया। मैं भी इसकी वजह से नहीं, चढ़ाई में थकी जाती हूँ। हेलो, हाय। और चेतन तो गांव के टूर में सो गया, अब उसको उसकी मम्मी को दे दिया मैंने। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी चाय आ गई है, मेरी इवनिंग टी। देखिए कैसे हिल रही है भी, हाँ, हवा की वजह से। तो ये मेरी इवनिंग टी इन वादियों के साथ। खुद सोचिए कितना मज़ा आ रहा होगा आप इस चाय को पीने में। ये देखिए, तो अब मैं पी लेती हूँ अपनी इवनिंग टी, और इसी के साथ साथ मैं मेक करती हूँ इस व्लॉग को। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।